इनमें भी उन्होंने गोली मारी है, यहाँ से दिख रही है बट इस कैमरे में नहीं आ पा रही है। मैं आपको बता दूँ उस जो कलसा है ना उसमें छेद हो रखा है। हाय सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे, उम्मीद करता हूँ काफ़ी बढ़िया होगे। तो गाइस, आज की वीडियो ना आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो सच में यार काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। आज की वीडियो में एक ऐसा मंदिर दिखाने वाला हूँ, काफ़ी पुराना मंदिर है और उसकी खास बात बता दूँ, उसके 52 दरवाजे हैं, यानी कि 52 गेट हैं उस मंदिर के। और मेन बात, एक और बात बता दूँ आपको, उसके अंदर एक सुरंग है और वो काफ़ी दूर तक गई है। तो गाइस, उस सुरंग को भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, बट यार दिक्कत है वहाँ पर जो है काफ़ी अंधेरा रहता है और अंधेरे से मुझे काफ़ी डर लगता है। तो वहाँ के जो पुजारी हैं वो अगर मेरे साथ जाते हैं तो मैं आपको उस सुरंग को भी दिखाऊंगा। वो सुरंग काफ़ी दूर तक गई है और सुरंग को देखूँ पास से जाके और मैं आपको भी दिखाऊं। तो प्लीज़ यार वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरा वॉच करना क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दो ताकि हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइस, बस मैं नहा लूं और फिर चलते हैं सीधे हम जो है मंदिर। फाइनली नहा धो करके घर से निकल चुका हूं और मैं जा रहा हूं साइकिल से। आपको बता दूं ये मेरे छोटे भाई की साइकिल है, आप देख सकते हो। तो मैं इसी से जा रहा हूं, पास में है, दूर नहीं, यहां से 2 किलोमीटर के करीब होगा, तो मैं साइकिल से जाऊँगा। तो गाइस बने रहिए वीडियो में और मिलते हैं मंदिर पर। फाइनली जो मैं मंदिर पर पहुंच गया हूं और मैं आपको मंदिर अब दिखाता हूं, ठीक है। सबसे पहले हमें यहां पर चौकी देखने को मिल जाती है, यहां पर एक पुलिस चौकी है, आप देख सकते हो। ये अक्सोली मंदिर के नाम से ये पुलिस चौकी है यहां पर। और यहां पर बहुत सारी गाड़ी आपको टूटी फटी देखने को मिल जाती है, यहां पर जो एक्सीडेंट हो रखा है उन गाड़ियों का। तो आप पीछे आप देख पा रहे हो वो है टेम्पल, ठीक है, जो मंदिर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर, काफ़ी आपको देख के काफ़ी आपको अच्छा लगेगा मंदिर को देख के। तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहना, तो चलते हैं मंदिर की तरफ। तो गाइस यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले यार जी जो यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, तो ये गाड़ी को देख सकते हो आप, पूरी गाड़ी टूट चुकी है, देख सकते हो आप। और यहाँ पर दिख रहा है इस गाड़ी में जो है ड्राइवर मुश्किल से बचा हुआ गाइस। तो गाइस ये है अक्सोली मंदिर, आप देख पा रहे होगे। और ये काफ़ी पुराना मंदिर है और कृष्ण राधा का मंदिर है, आपको बता दूँ गाइस। और ये काफ़ी पुराना है और ये इसकी बनावट की बात की जाए तो आप देख ही सकते हो कितनी इसने डिज़ाइन दे रखी है। और ये काफ़ी पुराना मंदिर है गाइस। तो चलो मैं अंदर दिखाता हूँ अंदर किस प्रकार का ये बना हुआ है। तो गाइस इसका जो गेट है आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का बना हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर शायद ये गणेश जी हैं। और चलते हैं अंदर और मैं अंदर भी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस जब अंदर आते हैं तो यहाँ पर भी ये इसी प्रकार का बना हुआ है, बट यहाँ पर ये रूम बना रखे हैं अभी फ़िलहाल में, पहले यहाँ रूम नहीं थे, ये अभी बने हैं। और इधर इस साइड भी आप देख सकते हो, इधर भी रूम बना रखे हैं कुछ इस प्रकार से। चलो मैं अंदर दिखाता हूँ अंदर किस प्रकार का ये बना हुआ है। ये देख सकते हो गाइस कुछ इस प्रकार का है अंदर। और सामने आप देख पा रहे हो वो हैं बजरंगबली। वैसे यहाँ पर एक तुलसी लगी हुई है, आप देख सकते हो, उस पर राम राम लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर ये हैं बजरंगबली। एंड में जो सेकंड फ्लोर है उस पर भी चलेंगे, ये हमारी फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। और ऊपर आप देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। तो अभी गेट खोलेंगे और मैं आपको अभी जो दर्शन कराऊंगा, जो कृष्ण जी हैं यहाँ के, कृष्ण राधा हैं। तो अभी तो गाइस चलते हैं अंदर और मैं आपको दर्शन कराता हूँ। जी हैं कृष्ण राधा जी। तो गाइस आप देख सकते हो ये हैं कृष्ण राधा जी एंड हाँ राधा कृष्ण। एंड ऊपर आप देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार से बनावट है ऊपर इस प्रकार की, काफी अच्छा मंदिर है आप देख सकते हो गाइस। ठीक है ठीक है अंकल, थैंक यू अंकल। तो गाइस जो पुजारी हैं यहाँ के उन्होंने मुझे चाबी दे दी है और बोल रहे हैं ऊपर जाके घूम के आ सकते हो। तो गाइस ये है की उसकी, और चलो ऊपर चलते हैं, मैं आपको ऊपर भी घुमाता हूँ। गाइस आप जी गुफा सी देख पा रहे हो, ये गुफा नहीं है, इसमें जो हम परिक्रमा देते हैं जो कृष्ण राधा जी है ना, तो उसके यहाँ से हमें परिक्रमा देने होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो।
तो ये गुफा नहीं है, जो बच्चे बोलते हैं ना अंदर के अंदर गुफा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गुफा नहीं है। एक परिक्रमा देने के लिए रास्ता बना रखी है, यहाँ से हम परिक्रमा दे सकते हैं। बस तो लॉक खोल रहे हैं और फिर उसके बाद चलते हैं हम ऊपर। तो गाइस ये है जीना, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये जीना गया है ऊपर के लिए। और यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार का खंडर प्रकार का बना हुआ है, आप देख सकते हैं चेयर पड़ी है टूटी हुई, और ये है कुछ इस प्रकार का बना हुआ। अगर बंदा अकेला आता है तो आप देख पा रहे हो क्या होगा उसका, पता नहीं। यहाँ पर भी गुफा सी बना रखी है, पता नहीं सरंग है क्या है, ये देख पा रहे हो गाइस। तो चलो ऊपर चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो ऊपर की जो बनावट है तो काफ़ी जो बढ़िया करके बनाया गया है। और इसकी दीवारों की बात की जाए तो आप दीवारों को देख ही सकते हो कितनी मोटी ये दीवार है गाइस। और ये अभी तो काफ़ी पुराना मंदिर है, काफ़ी पुराना टेंपल है, और फिर भी अभी तक इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, आप देख सकते हो गाइस। तो गाइस है ना काफ़ी मस्त जगह है यार, देख सकते हो यार एकदम औसम यार, एकदम खंडर तो नहीं बोल सकते यार, इस पर प्रिंट हो जाए तो ये दोबारा से जो मंदिर है नया हो जाएगा। लेकिन बट इस पर मैंने देखा है, जब से मैंने होश संवारा, जब से मैं बचपन से इसे देखता आ रहा हूँ, ये मैंने मंदिर ऐसा ही देखा है अभी तक। इस पर मैंने कभी ऐसा नहीं है कलर हो गया हो, दोबारा से रिपेयर हुआ हुआ, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है गाइस। तो गाइस देख सकते हो यार एकदम यार, बंदा अकेला आता है ना सच में यार, रियल में मंदिर में घूम नहीं सकता, बंदे को डर लगेगा अकेले शाम के टाइम आता है। तो डे में तो एक बार वो फिर भी घूम सकता है, लेकिन बट मेरा जैसा बंदा नहीं घूम सकता। तो गाइस आप देख पा रहे हो यार एकदम ये खंडर टाइप का पड़ा हुआ है, गेट जगह जगह टूटे हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हो ये गेट टूटा हुआ है। एंड जो आप देख पा रहे हो उधर की तरफ भी सारा खंडर के टाइप में पड़ा हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हो कितना कचरा है यार। तो यार बंदा जैसे कि अकेला आता है ना, रियल में अकेला इसमें नहीं घूम पाएगा, अकेला बंदा आएगा तो यहाँ पर नहीं घूम सकता है। गेट से जो है हम फ्रंट पे जा सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो निकल गए तो कुछ इस प्रकार का हमें व्यू देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हो गाइस कितना मस्त व्यू है। तो गाइस अभी बता दूँ, अभी तो यहाँ पर 4 का टाइम हो रखा है, अगर हम यहाँ पर शाम को आएँ तो और भी जो है व्यू काफ़ी मस्त होगा यहाँ का देखने लायक। हो गया इस इधर की तरफ आ जाता है, यहाँ से इस प्रकार का व्यू देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का, काफ़ी यार मस्त व्यू है यहाँ का यार। यहाँ पर आके आप फोटो वगैरह शूट कर सकते हो, यानी कि शूटिंग वगैरह भी कर सकते हो, यानी कि सॉन्ग वगैरह भी रिकॉर्ड कर सकते हो यहाँ पर। अरे ये जो लाइट वाली फ्लोर है उस पर चलते हैं ऊपर वाली छत पर, और मैं वहाँ से आपको दिखाता हूँ और भी जो मेन चीज़ें आपको मैं बताता हूँ ऊपर जाके। तो गाइस यहाँ पर कुछ इस प्रकार के जीने बने हुए हैं देख सकते हो, और जो कि इसकी मैं आपको बता ही रहा हूँ, यहाँ पर जो है क्लीनिंग वगैरह नहीं होती है इसकी, और आप देख सकते हो जीने की क्या हालत हो रखी है, सारा टूटा फटका हुआ पड़ा हुआ है, ये देख सकते हो, देख पा रहे हो गाइस कितना खंडर टाइप का बना हुआ है। और तो गाइस ऊपर आने के बाद कुछ इस प्रकार का हमें व्यू देखने को मिल जाता है, काफ़ी मस्त लग रहा है, देख ही सकते हो यार। और इसके मंदिर की लास्ट वाली चोटी है, इसके बारे में आपको एक रहस्य है जो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में। तो गाइस आप देख सकते हो हम सबसे ऊपर वाले टॉप पे आ चुके हैं, और यहाँ का व्यू आप देख ही सकते हो यार एकदम एक नंबर है यार, औसम औसम बोल सकते हैं यार, एकदम मस्त है यार। और चारों तरफ देख पा रहे हो यहाँ से जो है हरियाली नज़र आ रही होगी आपको, खेत यानी बाग बगीचे सारी चीज़ें यहाँ से आपको नज़र आ रही होंगी, आप देख पा रहे हो गाइस। तो गाइस कलशों का रहस्य तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ सालों पहले बताते हैं यहाँ पर डाकू आए थे, पहले डाकू चला करते थे, यानी कि वो लूटा लाटी किया करते थे, यानी कि मंदिरों को लूटना, घरों को लूटना, जो बढ़िया घर थे पैसे वाले थे उन्हें लूटना, लूटा किया करते थे वो गाइस। तो यहाँ पर भी इस मंदिर को भी लूटने वो आए थे, ठीक है। तो जो किशन राधा है नीचे, तो वो भी काफ़ी जो है जेवर बोलते हैं क्या बोलते हैं वो भी पहने हुए थे, तो उन्हें भी सारा लूट लिया था, यानी कि उनका भी जो खजाना था वो सारा लूट लिया था। और जो ऊपर जो कलश लगे हैं ना, इनमें भी उन्होंने गोली मारी है, यहाँ से दिख रही है बट इस कैमरे में नहीं आ पा रही है, मैं आपको बता दूँ उस जो कलश है ना उसमें छेद हो रखा है, ठीक है। तो उन्होंने गोली मारी है कि ये कलश गिर जाएंगे, बट ये कलश जो गिरे नहीं है, बताते थे कि सोने के कलश थे और इन्हें उन्होंने काफ़ी गिरने की कोशिश की थी बट ये गिरे नहीं थे। तो गाइस बता दूँ वो सोने के तो खैर नहीं है, पीतल के ही हैं, और उन बंदों ने इन्हें भी गिरने की कोशिश की थी इसीलिए कि ये सोने के हैं इसीलिए। तो गाइस ये था रहस्य इसका। तो गाइस अपने साथ में इन लड़कों को बुला के लेके आया था, आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। तो इसका नाम है मनोज, मिस्टर मनोज कुशवाहा, एंड ये है विशाल कुशवाहा, एंड वो है मिस्टर क्या नाम, राम अवतार।
ठीक है। तो गाइस इन तीनों को मैं अपने साथ लेके आया था। मैंने बताया था गाइस मुझे अंधेरे से काफ़ी डर लगता है, तो मैंने सोचा मैं दो तीन बंदों को अपने साथ लेके चलूं। तो इन तीनों को अपने साथ लेके आया था वीडियो शूट करने के लिए। वैसे मेरे कोई काम के तो नहीं है, बट मुझसे इनसे डर नहीं लग रहा। इस मंदिर में मैं घूम रहा हूं, तो मुझे कोई डर नहीं है गाइस। और वैसे मैं अकेला आता तो मुझे काफ़ी डर लगता है यार। तो गाइस मैंने जो पूरा टेम्पल यानी पूरा मैंने मंदिर आपको दिखा दिया है, तो आई होप आपको मंदिर काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में अभी जाके लिखें जय श्री कृष्णा, और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।